हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। और मेरी आज की रेसिपी है सोयाबीन चिल्ली की। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम सोयाबीन लिया है और इसे अच्छे से 15 मिनट्स तक मैंने गर्म पानी के साथ बॉयल कर लिया है और इसका पानी निकाल के इसे ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च लिया है, उसे ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और ये दो प्याज लिया था, इसके स्लाइसेस मैंने निकाल लिए हैं। सॉल्ट लेना है हमें एज पर टेस्ट। ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, कश्मीर रेड चिली पाउडर है ये 1 टीस्पून। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून। ये मैंने अराउंड 5 टीस्पून मैदा लिया है। ये मैंने लहसुन और मिर्ची को इस तरीके से बारीक कट करके ले लिया है। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 5 टीस्पून। और ये विनेगर लेना है हमें 1 टीस्पून। और ये टोमेटो सॉस मैंने लिया है 2 टीस्पून। और सोया सॉस भी हमें 2 टीस्पून चाहिए। जिंजर, ये ग्रीन चिली भी लेना है हमें, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे सारा सोयाबीन का पानी निकाल लेंगे अच्छे से, ताकि हम इसका अच्छा सा पकौड़ा बना सकें। चिली बनाने के लिए पानी है यहाँ पे अच्छे से निचोड़ के निकाल ले सारा। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। ये देखिए अराउंड 5 टीस्पून मैंने मैदा लिया है। और ये कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लें आप, मैदा और कॉर्नफ्लोर एक साथ। अराउंड 5 टीस्पून मैंने लिया है। और अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे एज पर टेस्ट। ये रेड चिली पाउडर मैंने हाफ यूज़ किया है यहाँ पे, हाफ मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। और अब हम यहाँ पे सोया सॉस डालेंगे। दोस्तों, आप सोया सॉस यहाँ पे ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 1 टीस्पून। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए, अब इसको अच्छे से कोट करने के लिए आप हल्का सा पानी ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको ताकि अच्छे से सारा मैदा, कॉर्नफ्लोर ये सब कोट हो जाए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए, मैंने एक पैन को गरम कर लिया है इसमें। अब हम देखिए सारा सोयाबीन फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। आप सावधानी से पलट के सारा फ्राई कर ले सोयाबीन। दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, ये सारा सोयाबीन बिल्कुल फ्राई हो गया है। ये देखिए, इसे आप पलट पलट के गोल्डन कलर बिल्कुल हो जाए तब आप इसे निकाल लें। ये देखिए, अब कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए, अब हम चिल्ली बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने गरम कर लिया है ऑयल, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। और यहाँ पे मैंने लहसुन और मिर्ची को इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे और अच्छे से सौते करेंगे। दोस्तों, आप प्याज और शिमला मिर्च को बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें, हल्का सौते करें, बस प्याज हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए। यहाँ पे आप हल्का सा नमक डाल दें। और दोस्तों, यहाँ पे नमक आप बिल्कुल ज़्यादा यूज़ मत करें, क्योंकि सॉल्ट सॉस में सॉल्ट होता है। ये देखिए, अब ये हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है सारा प्याज, तो अब हम इसमें सारे सॉस डालेंगे। ये मैंने 2 टीस्पून टोमेटो सॉस डाला है और 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। आपके पास जो जो सॉस अवेलेबल हो आप यूज़ कर लें, रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है और 1 टीस्पून विनेगर। ये देखिए, और लास्ट में यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। दोस्तों, ये उतना तीखा नहीं होता है, कलर के लिए होता है सिर्फ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लें। ये देखिए, हल्का सा फ्राई कर लें और अब हल्का सा पानी डाल दें। वैसे अगर आपको पूरा ग्रेवी खाना है, ग्रेवी का सोया चिली खाना है, तो आप हल्का सा कॉर्नफ्लोर मिला दें पानी में, उसके बाद डालें उसमें। मुझे ड्राई बनाना है तो इसलिए मैंने हल्का सा सिर्फ पानी लिया है। ये देखिए, हमारा चिल्ली बिल्कुल तैयार है।
बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में दोस्तों। ये बन चुका है, अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे दोस्तों। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप उसे ज़रूर बना के दें टिफ़िन में, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।